पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देने वाले माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि आज राजधानी पटना के हम के कार्यालय में मनाई गई। 2007 में आज ही के दिन दशरथ मांझी की मृत्यु हुई थी। उनके पुण्यतिथि पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा उनके कार्यालय में हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये सिर्फ कार्यालय में नहीं मन रहा है बल्कि पूरे प्रदेश में आज मन रहा है, ठीक है ठीक है, और राजकीय स्तर पर गहलोत में भी इसका महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी गरीब तबके के वंचित तबके के लोग हैं ये महापुरुष हमारे दशरथ मांझी जी का वहाँ पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या काम क्या उद्देश्य, उन्होंने ये काम किया कि लोग तो कहते हैं कि एक प्रेम कहानी है, अपने पत्नी को की मौत के बाद उन्होंने ये ठाना था कि हम ये पहाड़ को तोड़ेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नौजवानों को एक संदेश दिया, क्या संदेश दिया कि तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, इस साधन से भी तुम अपने संकल्प को पा सकते हो, लक्ष्य तय करना होगा। और दशरथ मांझी एक ऐसा पुरुष है इस धरती पर जिन्होंने ये बता दिया है कि हम अपने संकल्प के सहारे ये बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। वो पहाड़ जितना ऊंचा था उस पहाड़ को तोड़ करके 22 साल अकेले वो अपना सब कुछ भूल गया, खाना पीना सोना, और उस काम में लगे रह गए और अपने मृत्यु के होने के पूर्व तक उसमें काम किए और अपने समय में उन्होंने उसको तोड़ के रास्ता बनाया और वो रास्ता जो 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था उसको उन्होंने बहुत करीब ला दिया, गाँव के नज़दीक ला गया, क्योंकि उनका बस्ती गहलोर पड़ा पहाड़ के नीचे ही है और उसी से लोग आते जाते हैं और आज वहाँ तो बहुत अच्छा रोड बन गया है। और यही प्रेरणा हम आज उसके जीवन से लेना चाहते हैं कि अगर हम आज चाहें तो अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, हम आज भी विकास कर सकते हैं, लेकिन हमको संकल्प लेना होगा, ऐसे लोगों को स्थापित करना होगा जो इस काम को कर सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे उन्होंने पत्र लिखा है भारत सरकार कि इनको भारत रत्न दिया जाए और भारत रत्न की उपाधि ऐसे महापुरुष को मिलना ही चाहिए। मैं विराज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष एसएससीबी मैं इसकी मांग करता हूं भारत सरकार से कि इनको अविलंब भारत रत्न दिया जाए ताकि हम लोग इसके संदेशों को लोग तक पहुँचा सकें और इनका बच्चे भी जो आने वाले नौजवान पीढ़ी है इनके बारे में जान सके और इनके जीवनी को पर एक पुस्तक लिखी जाए जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है बिहार जो CBSE का है या बिहार टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन की किताब है उसमें भी जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को और उनको मालूम होना चाहिए।